जय सिया राम। हरिओम। तमिलनाडु के बीजेपी के सेक्रेटरी एस जी सूर्या गिरफ्तार कर लिए गए और उनको जेल भेज दिया गया। वो बेसिकली उनकी गिरफ्तारी से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का जो लीडर है, यंग लीडर है, तमिलनाडु का लीडर है, उसने एक ट्वीट किया और ट्वीट लोगों को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसे उसकी गिरफ्तारी हुई वहाँ के साइबर सेल, पुलिस साइबर क्राइम सेल द्वारा, और उसे अदालत ले जाया गया और उसको वहाँ से 15 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। समझ रहे हैं बाद में क्या कर रहे हैं, ट्वीट के रिजल्ट में क्या हो रहा है तमिलनाडु में। और ऐसा हो रहा है और लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, देश इस तरीके से चल रहा है तो क्यों चल रहा है। और इसे एक आम आदमी पर जब ऐसा ही कुछ होता है तो यही लोग जो अभी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, चुप क्यों रहते हैं। देखिए मुद्दे पर आते हैं। जब मोदी जी ने, नड्डा ने नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट कहा था, पार्टी से अलग निकाला था, तो इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी। जब टी राजा को पार्टी से अलग निकाला था तब इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी। अभी जब काजल हिंदुस्तानी को जेल में भेजा गया था तब इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी। जब मनीष कश्यप को NSA लगाया गया था तो इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी। जिस वजह से तुमने आवाज नहीं उठाई थी उसी वजह से तुम गिरफ्तार किए गए हो, मारे गए हो, ठूसे गए हो, जेल में आगे भी होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मिट्टी पलीद होती रही है, होती रहेगी, उनकी हत्याएं तक होती रही हैं। अब नाम लोगे कि पंजाब है भैया, वो तो पश्चिम बंगाल है, वो तो केरल है, वो तो तमिलनाडु है, वहां उनकी सरकारें नहीं है, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां भी उनकी स्थिति परिस्थिति ऐसी ही है। वहां भी उन्हें या तो मास्टर स्ट्रोकवादी बनना पड़ता है या फिर दरगाह में जाके झाड़ बजानी पड़ती है या फिर मोदी ने जो गलतियां की हैं उसे भुगतना पड़ता है। यह देश हिंदू का है, सनातनियों का है, इसे रहने क्यों नहीं दिया। ये जो नई पौध है भारतीय जनता पार्टी की, जय सूर्या जैसे, अन्नामलाई जैसे, ये लोग चुप क्यों रहते हैं। और इनमें से अगर कोई बोलता है तो उसे सजा क्यों मिलती है, हमें बताओ। उन्हें फ्रिंज जिले में आज की तारीख तक में नुपुर शर्मा अगर निकलेगी तो काट दी जाएगी, कोई बोलता क्यों नहीं है। SG सूर्या को गिरफ्तार इसीलिए किया गया कि कहा गया वो फेक है, उसने जो ट्वीट किया था फेक था। फेक ये था कि वो आदमी तो मरा था, ठीक, बीमारी से मरा था, ठीक, वो मल साफ करता हुआ, जो मल साफ कर रहा था, मल से पानी सना हुआ साफ कर रहा था वो, ठीक, मरना उसकी स्वाभाविक मृत्यु थी, उसको क्यों जोर के दिखाए लोगों से। ये जो मोदी जी हैं, स्वच्छता अभियान के लिए पूरे देश में शौचालय बना दिए, वो सुलभ शौचालय बना दिए, हगने मूतने के पैसे भी वसूलने लगे, व्यापार करने लग गए, लोगों के घरों में तो टॉयलेट तो बनाए, कितने करोड़ अरब रुपए उसके लिए उन्होंने देश का खर्चा किया, हर घर में बनाओ। उस देश में इसके व्यंजन सभी भी हैं, हाथ से मल मूत्र साफ करने वाली प्रथा भी है, ये शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात है वो ट्वीट लिख देना। खैर उधर भी नहीं जाते, ये स्टालिन को बुरा क्यों लगा, क्योंकि उसका कम्युनिस्ट का MP था, उसने कह दिया भैया देख लो स्टालिन ये क्या कर रहा है। अब कहेंगे स्टालिन भारत के तमिलनाडु जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, स्टालिन कौन है ना, कौन सा नाम है भाई स्टालिन, मार लेना, एक नेता है दिल्ली में जो सरकार है उसकी कोई बड़े पोस्ट पे है, मार लेना। तो मैंने नेट पे देखा कि भैया मार लेना कौन सा टाइटल है भारत में, तो फिर मुझे लिखा कि उनके पिताजी कम्युनिस्ट थे और मार्क्सिस्ट और लेनिन दोनों के ही फैन थे, तो दोनों का ही नाम का पहला अक्षर ले लिया, मार्क्सिस्ट लेनिन और मार लेना रख दिया। तो देश में कम्युनिस्टों की तो यह हालत है, वो कहते धर्म अफीम है, हिंदू सनातनियों को बहुत गाली देते हैं और जय मीम जय भीम का नारा देते हैं और एक इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था को कायम करने के लिए अपनी जान जी लगा देते हैं, कांग्रेस उनकी बहुत पटती है, ये तो कम्युनिस्ट का विचारधारा है। अब मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई जैसे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, जानते हैं गहराई से, जिनके पास ज्ञान है, जिन्होंने पढ़ाई की है, क्या उनके मुँह में दही जम जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि बीजेपी नहीं रही तो अनर्थ हो जाएगा, रखो
आपको जीना है अपने तरीके से, अपनी ताकत से, अपने बल पे, अपने संगठन से, तो आप जी सकते हो। नहीं तो इस सत्ता की जो व्यवस्था आज जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो आपको ख़त्म कर देगी। आप अगर हिंदू हो, सनातनी हो और अपने आचार विचार संस्कार के साथ जीना चाहते हो, तो अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रही है। सेक्रेटरी लेवल के जो नेता है उसको नहीं बचा पा रही है। हम तो चिल्लाते थे मनीष कश्यप ने ऐसे कैसे लगा दिया। अब जब ये गिरफ्तार हुआ, क्या कहते हैं, किया गया मनीष कश्यप, तो वो तो भारत, वो बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स लोग थे, वो तो खैनी उनी जा अधिकतर खाते हैं, मुंह से बदबू आती रहती है, बोलते हैं तो बदबू ही फैलाते हैं। तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ आवाज़ लगाई, अपनी बदबू फैलाई, लेकिन फिर तुरंत ऊपर से आ गया, अबे चुप हो जा, ये राष्ट्रवादी है, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये पंगा हो जाएगा अगर छूट के आ गया, पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट दे देगा, ये सत्ता के विरोध में चला जाएगा, हमारी मिट्टी की पलीद हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में सोच रही थी, और जो लालू एंड कंपनी और जो नीतीश जी की सरकार है वो सोच रहे थे कि भैया इसको तो हटाओ, ख़त्म करो, चुनाव तक तो उसे अधूरी रखो। तो यह यहाँ की एक आदमी से, जहाँ की पूरी की सत्ता की व्यवस्था डरती है, उस पर एनएसए लगा देती है, और उसी देश में भारतीय जनता पार्टी जैसे एक हिंदुत्व का चेहरा लेकर के जो सरकार सत्ता में आई थी, उसके नई पौध, नई पीढ़ी के भी जो नेता हैं, जो अन्नामलाई जैसे नेता हैं वो, और सूर्या जैसे नेता हैं, वो चुप रहेंगे, उनके मुंह में दही जमी रहेगी, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, जो उन्हें लगेगा कि जो सिद्धांत हैं, जो जो नियम कानून है, जो अपीजमेंट, जो तृप्तिकरण ऊपर से चल के आ रहा है, वो राष्ट्रहित में नहीं है, पार्टी हित में नहीं है, उस पर भी वो नहीं बोलेंगे, तो ये दुर्दशा उनकी भी होनी ही होनी है, और पूरा देश तो भुगत रहा है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सुनिए, बात एक मनीष कश्यप की नहीं है, या फिर एक मनीष कश्यप की ही बात लीजिए, पूरी ताकत से खड़े रहिए, संगठित रहिए उस आचार विचार संस्कार नीति के खिलाफ जो देश को तृप्तिकरण से लेकर के इस्लामीकरण के मुहाने तक ले आई है। ये हिंदू सनातनियों का देश है, इसे बनाना है और ये बनेगा। जय सियाराम, हरिओम।